अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। मुरलीकांत पेटकर एक पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। मुरलीकांत का जन्म 1 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र के सांगली के पेट श्रामपुर क्षेत्र में हुआ था। वो भारत सेना में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में क्राफ्ट्समैन रैंक के जवान थे। सेना में रहते हुए उन्होंने मुक्केबाजी के शौकीन के रूप में शुरुआत की और भारत सेना कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भर्ती हो गए। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मुरलीकांत को 9 गोलियां लगी जिससे वो अपंग हो गए। पेटकर ने स्विमिंग में जाने का फैसला किया जहाँ उन्होंने जर्मनी के हिडलबर्ग में 50 मीटर फ्री स्टाइल में 37.33 सेकंड के समय के साथ इतिहास रचा। उन्होंने जैवलिन थ्रो, प्रिसिशन जैवलिन थ्रो और स्लैलम में भी भाग लिया जहां वो तीनों स्पर्धाओं में फाइनलिस्ट रहे। मुरलीकांत को 1968 में तेल अभिक इसराइल में पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था जहां वो टेबल टेनिस में दूसरे स्थान पर आए थे। पेटकर को बाद में पुणे में टेल्को द्वारा नियुक्त किया गया जब उनकी उम्र 50 वर्ष के अंत में थी। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too.